बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक और उनके बेटे पर ईडी का एक्शन हुआ है। अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी ने कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया है। सोनीपत से कांग्रेस के विधायक हैं सुरेंद्र पवार, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने कांग्रेस विधायक के बेटे को भी गिरफ्तार किया है। कांग्रेस विधायक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अहम सबूत मिले थे। हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र का खनन कारोबार है। बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक और उनके बेटे को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक और उनके बेटे पर ईडी का एक्शन हुआ है। अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी ने कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया है। सोनीपत से कांग्रेस के विधायक हैं सुरेंद्र पवार, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने कांग्रेस विधायक के बेटे को भी गिरफ्तार किया है। कांग्रेस विधायक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अहम सबूत मिले थे। हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र का खनन कारोबार है। बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक और उनके बेटे को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक और उनके बेटे पर ईडी का एक्शन हुआ है। अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी ने कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया है। सोनीपत से कांग्रेस के विधायक हैं सुरेंद्र पवार, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने कांग्रेस विधायक के बेटे को भी गिरफ्तार किया है। कांग्रेस विधायक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अहम सबूत मिले थे। हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र का खनन कारोबार है। बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक और उनके बेटे को ईडी ने गिरफ्तार किया है।